दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के लाइव फीड में घर के अंदर इस समय बिग बॉस ने घर के सभी कंटेस्टेंट के सामने एक ऐसी जानकारी दी है जिसे सुनकर घर के सभी कंटेस्टेंट्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल पहले तो बिग बॉस ने घर के सभी सदस्यों को लिविंग एरिया में इकट्ठा किया और उसके बाद में घर के सभी कंटेस्टेंट्स की कड़ी फटकार लगाई और कहा कि आप लोगों ने हेड ऑफ हाउस वाले टास्क को बेहद ही ज़्यादा जो है लाइटली ले लिया, और इसके अलावा घर के अंदर जब कोई नॉमिनेशन टास्क होता है तो उसमें भी आप हंसते रहते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर शिवानी की भी फटकार लगाई गई और कहा कि शिवानी तो नॉमिनेट होने के बाद आजकल हंसने तक लगी है। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से घर के सभी सदस्यों की पहले तो कड़ी फटकार लगाई, लेकिन इसके साथ ही बिग बॉस ने यहाँ पर घर के सभी सदस्यों को बता दिया है कि आखिर घर के हेड ऑफ हाउस की असली पावर क्या होती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बिग बॉस ने घर के सभी कंटेस्टेंट के सामने बता दिया है कि घर के हेड ऑफ हाउस के पास घर के अंदर होने वाले नॉमिनेशन की पावर है। अब आपके पास में एक दूसरे को नॉमिनेट करने की पावर कभी नहीं दी जाएगी, मतलब आपसे ये अधिकार छीना जाता है। और अब हर हफ्ते जो है हेड ऑफ हाउस जो घर का बनेगा वही घर के अंदर सबसे अहम फैसले लेगा और नॉमिनेट अपनी मर्जी से करेगा। इस दौरान अरमान मलिक को बिग बॉस ने यहाँ पर घर से बेघर करने के लिए चार सदस्यों के नाम चुनने का मतलब वो आदेश दिया है कि आप है ना चार लोगों के नाम बताइए जिनको आप घर से सीधे सीधे बेघर करने के लिए नॉमिनेट करना चाहते हैं। हालांकि ये चीज़ जो है कन्फेशन रूम में अरमान मलिक जाकर बताएंगे, और अरमान इस समय कन्फेशन रूम में है। अब वो चार लोगों का किसका नाम लेंगे ये तो हमें एपिसोड के दौरान पता चलेगा, लेकिन उन चार के अलावा आपको बता दें कि बिग बॉस ने यहाँ पर ऑलरेडी खुद अरमान मलिक को दंड स्वरूप नॉमिनेट कर रखा है पूरे सीजन के लिए, इसलिए वो भी इस हफ्ते नॉमिनेट रहेंगे। इसके अलावा अदनान शेख को भी बिग बॉस ने दंड स्वरूप नॉमिनेट कर दिया था। इस प्रकार ये दो तो ऑलरेडी नॉमिनेट है, इनके अलावा चार और सदस्यों को अरमान मलिक जो है वो अपनी तरफ से नॉमिनेट करेंगे। फिलहाल दोस्तों आपको कैसा लगा बिग बॉस का ये फैसला? क्या ये बिग बॉस सही कर रहे हैं या ये जनता के साथ अन्याय है? क्योंकि अब जनता का तो कोई रोल ही नहीं बचा है, क्योंकि घर के अंदर एविक्शन जो होगा वो केवल हेड ऑफ हाउस के आधार पर होगा कि वो किसको बेघर करना चाहता है। जनता के लिए तो वोटिंग लाइंस बिग बॉस ने ऑलरेडी बंद ही कर दी है, और जनता अब अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट को चाहते हुए भी नहीं बचा पाएगी। फिलहाल आपका क्या है कहना, अपनी राय हमें कमेंट में बताएं।